ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और इससे हमारे अंदर गुस्सा आएगा, और एक सेकंड का गुस्सा क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। मैं तो काफी सारे जेलों में जाता हूं, तो जेलों में जब किसी की कहानी पूछता रहता हूं, वंडरफुल कहानियां सुनाते रहते। छोटी सी बात का गुस्सा आया, उसने मुझे ऐसा बोला, फिर मुझे गुस्सा आया, और गुस्से में वो क्या करेगा भरोसा नहीं। अभी मैं एक कोई जेल में गया था, एक माताओं का जेल था, करीबन काफी सारी माताएं थी, तो एक दो महिला को ऐसे मैंने पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहता है मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, तो गरीबी में जन्म हुआ तो मैंने बहुत मेहनत करके इधर उधर से पढ़ाई की, पढ़ने के बाद लेक्चरर की नौकरी लग गई, जब लेक्चरर बन गई उसके बाद उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और मेहनत करती रही, संस्था ने उसको प्रिंसिपल बनाएगा। जब प्रिंसिपल बन गई तो उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, बड़ा सा मकान बनाया, एक गाड़ी ली, उसके बाद बच्चे भी बड़े हो गए, फिर बच्चों की भी शादी हो गई, बहू आई, उसको लगा मेरे और अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहाँ, जो बहू आई थी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा भी बनाएगी कोई बात नहीं, अभी नई नई आई है, 8 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। धीरे धीरे मैडम को टेंशन शुरू हो गया, तो एक दिन कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, तो मीटिंग के उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, लेकिन वो आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुम कुछ तो करती? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है इसके कारण सबको थोड़ी भूखी मारूं। तो मैडम खाना बना रही थी, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी, इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी होती है, कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वो बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो, एक तो खाना बनाने की मदद नहीं करें, ऐसे शब्द। वही इतना दिन का गुस्सा था, वही स्टील का बेलन जिसे रोटियां पका रही थी जोर से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लग गया, बहू वही खत्म हो गई। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को एक 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगाए? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। हमने कहा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं। उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। अगर उसको सहन शक्ति आती, आज नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। ये है क्रोध का भूत। क्रोध का भूत अगर अंदर आएगा, उसके अंदर भी भूत आएगा, दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड़ी हमारी तोड़ के जाएंगे। इसलिए इस क्रोध के भूत से बचो, और इसके लिए कर्मों का ज्ञान, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का ज्ञान, वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान आज के इंसान को, हर एक को जरूरी है। ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय अगर जीवन में सुखी बनना है, हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, इस ज्ञान की जरूरत है।